अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालदैन, आज हमने बच्चों को जो सरगर्मी करवाई उसमें मश्क ही करवाई कि दरमियान में हमने अलिफ रखा और साइडों पर दो दो हरूफ रख दिए। दो हरूफ में से दरमियान में अगर अलिफ को रख दिया जाए तो कोई नया लफ्ज़ बनेगा। मिसाल के तौर पर बे और नून एक हरफ रखा, हमने बच्चों से कहा कि इसके दरमियान आप अलिफ लगा दें, बे अलिफ बा नून बान। इसी तरह पे और नून रख दें, पे अलिफ बा नून पान। तो टे और टे को रखते हैं टेलिफ टाटे टाट। ये तमाम मशकें करने से बच्चों को एक तो उनकी सलाहियत बढ़ेगी, दूसरा उनके अंदर ये शौक पैदा होगा कि हम अलिफ से और भी क्या क्या अल्फाज बना सकते हैं। वो कुछ गलत बनाएंगे, कुछ दुरुस्त बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे ज़रूर। और हमारा काम या हमारा मकसद ये है कि बच्चे के अंदर उस चीज़ को उभारें कि वो ये काम कर सकता है, वो नए अल्फाज बनाए। इसी तरह से जो दूसरी मश्क है उसके अंदर कोई भी नुकता नहीं लगा हुआ, बे का ख़ानदान है पूरा, कहीं छोटी शक्ल में है कहीं मुकम्मल शक्ल में है। नुकता बच्चे अपनी मर्जी से लगाएं और वो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे पे का नुकता लगा दें और फिर आगे पे का ही नुकता लगा दें तो पाप बन जाएगा, ते का नुकता लगा दें और पे का नुकते लगा दें बड़ी मुकम्मल शक्ल में तो ताप बन जाएगा। फिर नून के साथ हैं बे अलिफ बा नून बान, ते अलिफ ता नून तान, टिलिफ्टा नून तान, तिलिफ्टा नून तान। इस तरह से तमाम हम जब नुक्ते लगाते जाएंगे तो वो एक अपनी आवाज़ और एक अपनी पहचान देगा लफ्ज़। ये तमाम मश्क इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर शौक पैदा हो नए अल्फाज बनाने का, वो खुद से भी नए अल्फाज बनाएं, इन अल्फाज की मदद से भी नए अल्फाज बनाएं। जो हमने वीडियो उन्हें बना कर दी वो उसकी मदद से भी बहुत से नए अल्फाज बनाएं और उनको समझें। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सबक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।